ये भी प्रश्न उठाया जाता है, शाखा में भगवा झंडा लगता है, तिरंगा झंडे का क्या? तिरंगे झंडे के जन्म से उसके सम्मान के साथ संघ का स्वयंसेवक जुड़ा है, मैं आपको सत्य कथा बता रहा हूं। निश्चित होने के बाद, उस समय तो चक्र नहीं था, चरखा था ध्वज पर, पहली बार फैजपुर के कांग्रेस अधिवेशन में उस ध्वज को फहराया गया, 80 फीट ऊंचा ध्वज स्तंभ लगाया था, नेहरू जी उसके अध्यक्ष थे। तो वो बीच में लटक गया, ऊपर पूरे जा नहीं सका, और इतना ऊंचा चढ़ के उसको सुलझाने का साहस किसी का नहीं था। एक तरुण भीड़ में से दौड़ा, वो सरसर उस खंभे पर चढ़ गया, उसने वो रस्सियों की गुत्थी सुलझाई, ध्वज को ऊपर पहुंचा के नीचे आ गया। तो स्वाभाविक लोगों ने उसको कंधे पर लिया, नेहरू जी के पास ले गए, नेहरू जी ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि तुम आओ शाम को खुले अधिवेशन में, तुम्हारा अभिनंदन करेंगे। लेकिन फिर कुछ नेता आए, कहा कि उसको मत बुला, वो शाखा में जाता है। जलगांव में फैजपुर में रहने वाले श्री किशन सिंह राजपूत नाम के वो स्वयंसेवक थे। उस समय 5 वर्ष या 6 वर्ष पहले उनका देहांत हो गया, वृद्ध हो गए। डॉक्टर हेडगेवार को पता चला, डॉक्टर हेडगेवार प्रवास करके गए, डॉक्टर हेडगेवार ने उनको एक छोटा सा लोटा चांदी का छोटा सा पुरस्कार के रूप में भेज दिया, उसका अभिनंदन किया। तब से, पहली बार फहराया गया तब से इसके सम्मान के साथ स्वयंसेवक जुड़ा है। जब पहली बार कांग्रेस ने संपूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया लाहौर के अधिवेशन में, तो डॉक्टर साहब ने सर्कुलर निकाला सब शाखाओं में कि हम लोग संचलन निकाले, 1931 की बात है, और संचलन में तिरंगे ध्वज के साथ संचलन निकाले और कांग्रेस का अभिनंदन करने वाला प्रस्ताव शाखाओं के द्वारा पारित करके भेजा जाए कांग्रेस कमेटी के पास। डॉक्टर हेडगेवार, उनके जीवन में देश का परम वैभव, देश की स्वतंत्रता, यही जीवित का गंतव्य था, संघ में दूसरा क्या हो सकता है।